अन्य मित्रों की हालचाल आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं तुषार जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आई टेक। आज की इस वीडियो में हम मेड इन इंडिया प्रोसेसर शक्ति के बारे में आप सभी को डिटेल से बताने वाले हैं और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये प्रोसेसर आपको स्मार्टफोन में कब देखने को मिलेगा। शक्ति प्रोसेसर के तीन मेन कोर क्लासेस हैं, ई क्लास, टी क्लास एंड आई क्लास। ई क्लास एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। अब आप पूछेंगे कि एम्बेडेड एप्लीकेशन क्या होता है, आप मुझे दो मिनट का टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ कि एम्बेडेड एप्लीकेशन होता क्या है। हमने ये प्रोसेसर फैब्रिकेटेड रूप में दिखा है जिसके दो वेरियंट है, ठीक है। पहला वेरियंट है रेमो और दूसरे का नाम है रेस्क्रिक्ट। जो रेमो है इसे हमने SCL चंडीगढ़ में तैयार किया 180 नैनोमीटर पे, और जो दूसरा स्क्रिप्ट है इसे इंटेल की हेल्प से हमने 22 नैनोमीटर पे बिल्ड किया है। जब ये लॉन्च हुआ था 180 नैनोमीटर के साथ तो कुछ लोग इसके बहुत जोक कर रहे थे, यहाँ पे जोक करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि अगर ये हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है। इस पे बहुत सारे चिपसेट बिल्ड किए गए हैं और इंडिया भी साथ प्लान कर रहा है 60 और 65 नैनोमीटर पे चिपसेट को बिल्ड करने के लिए, जो कि हमारे नीड को मोस्टली सेटिस्फाई कर देगा। ये जो है कि फ्री RTU जैसे लाइटवेट सॉफ्टवेयर को रन करा सकता है। अभी एम्बेडेड क्या होता है, एम्बेडेड ऐसे डिवाइस और सिस्टम को कहा जाता है जो कि लो प्रोसेसिंग सिस्टम पे भी रन कर सके, लाइक आपका गेम पैड, जॉयस्टिक। इसे थोड़ी ना i3 और i5 प्रोसेसर की जरूरत है, ये बस रियल टाइम कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सके, ऐसे प्रोसेसर चाहिए इनके लिए। या आपकी वॉशिंग मशीन ले लो, ओवन ले लो, इन सबको लो पावर CPU की जरूरत होती है जो इनके कैलकुलेशन है इन्हें बस संभाल सकें। इसका जो मार्केट है आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर लैपटॉप के प्रोसेसर मार्केट से भी बहुत बड़ा है। शक्ति का मेन मोटिव है कि इस एम्बेडेड मार्केट में कम्प्लीटली स्टेबल हो जाए और अपने आप को ग्रो करना है। तो ये हुआ एम्बेडेड। उसके बाद आता है सी क्लास कोर जो कि बहुत ही पावरफुल है, ये 1.6 GHz तक जा सकते हैं। ये मोस्टली स्मार्टफोन के लिए बनाए गए हैं। इनफैक्ट जब 2018 में शक्ति आया था तब ये लॉन्च नहीं हुआ था, बट अभी लॉन्च हो चुका है। अभी जो जल्द ही स्वदेश माइक्रो प्रोसेसिंग चैलेंज हुआ था उसमें इसका जिक्र भी किया गया था। इसमें लिनक्स को रन करा सकते हैं। अब आते हैं हम आई क्लास कोर के ऊपर। ये बहुत ही तगड़े लेवल का कोर है, ये स्पेशली कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए बनाया गया है। ये 2.5 GHz तक क्लॉक कर सकती है। अभी लॉन्च तो नहीं हुआ है बट हाँ मे बी एंड ऑफ ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर तक ये लॉन्च हो जाए। स्मार्टफोन को सिर्फ CPU की जरूरत नहीं होती है, और जो शक्ति और FCI ये सब अभी CPU बेस्ड ही प्रोसेसर बना रहे हैं। स्मार्टफोन में CPU के अलावा भी बहुत सारी चीज चाहिए होती है, लाइक GPU, DSP, SSD, मेमोरी, सिक्योरिटी कंट्रोलर, AI प्रोसेसर और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ये सभी एक पैकेज में पैक हो तो उसके बाद हमें एक मिलता है सिस्टम ऑन चिप जिसे हम SoC कहते हैं। इसका यूज करके ही मोबाइल फोन प्रोसेसर तैयार किया जाता है। आपने सुना ही होगा कि जो MediaTek और Snapdragon ये सभी SoC बेस्ड चिपसेट होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स और कंट्रोलर्स होते हैं जिसका यूज करके हम स्मार्टफोन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। शक्ति को ये पैकेज तो तैयार करना ही पड़ेगा जिसके लिए उसे अपने RISC-V आर्किटेक्चर पे और काम करना पड़ेगा। इसे आने में मे भी 3 या 4 साल लग जाते हैं, मगर जब भी आएगा हम आपको वीडियो बनाकर जरूर अपडेट कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो में जो भी पार्ट समझ में ना आया तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसे समझाने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।